प्रसाद पांडे है। परेशानी थी कि मेरी रील हड्डी सब टेढ़ हो गई थी और मेरा नस बैठ गया था, कोई ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो हमारे एसएस नायक डॉक्टर रेलवे हॉस्पिटल के उन्होंने भेजा आशीष डॉक्टर यहाँ पर फरीदाबाद। डॉक्टर आशीष तोमर ने मेरा इलाज किया और मेरा हमको सक्सेस किया। दर्द मेरा बिल्कुल है नहीं, सुई लगती है अब तो जल्दी है, इतनी जल्दी कोई नहीं कर पाया ट्रीटमेंट, लेकिन यहाँ तो हमको बहुत आराम हो गया है, यहाँ आराम है, चल दे रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको भोजन अच्छा मिलता था, फर्स्ट क्लास नाश्ता मिलता था, फर्स्ट क्लास सेवा मिली, फर्स्ट क्लास के स्टाफ मिला। ये हम इनके करने से उद्धार नहीं, इनको आशीर्वाद मेरा है। नमस्कार, पेशेंट गायत्री प्रसाद हमारे पास कमर में नस दबने की वजह से आए थे। इनको लंबर कैनाल स्टेनोसिस L2-L5 और डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस था। इसका मतलब ये है कि इनकी कमर की नस L2 से लेके L5 तक दबी हुई थी तीनों जगह पे, और इनकी कमर में टेढ़ापन था जिसकी वजह से इनका चलना फिरना दूभर हो रखा था, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते थे, ऑलमोस्ट बेडरिडन स्टेट में थे। हमने इनको देख के इनका MRI एक्सरे करा के फिर प्लान किया सर्जरी के लिए। सर्जरी से इनकी नसों को फ्री किया गया, इनके कमर के टेढ़ेपन को सीधा किया गया, जिसकी वजह से इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी अगर आप देखें तो जैसे जिस स्टेट में ये आए थे उससे बहुत बेटर हो गए। एंड नाउ ही कैन वॉक एज मच एज ही वॉन्ट, जितना चलना चाहे चल सकते हैं, एंड ही कैन लिव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़ टू गिव दिस मैसेज कि स्पाइन सर्जरी बहुत सेफ सर्जरी है। ये बूढ़े लोगों में बीमारियां जो एज के कारण काफ़ी कॉमन है, इस तरह की प्रॉब्लम नस को दबना एज से होता है, ये एज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और इनका सॉल्यूशन सर्जरी के द्वारा हो सकता है। तो सर्जरी से डरना नहीं चाहिए, और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक अच्छी ज़िंदगी के लिए अगर सर्जरी की ज़रूरत है और सर्जरी के बिना वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती तो वो करानी चाहिए। धन्यवाद।